और अब बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग, शुरुआत मौसम की खबर के साथ। पिछले दिनों हिमाचल और उत्तराखंड में जैसी बारिश हुई उसने देश की राजधानी दिल्ली को भी डरा दिया। हालांकि अब दिल्ली में यमुना का स्तर काफी कम हो चुका है, लेकिन खतरा टला नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हिमाचल के कई जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। पिछली बार इन इलाकों में हुई बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई थी और कई मैदानी इलाके डूब गए थे, इसलिए इस बार पहाड़ों में हो रही बारिश को देखते हुए ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था को 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके और भी बढ़ने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। कुल्लू के बाद अब चंबा के सलूनी में भी बादल फट गया, जिसके बाद सैलाब में कई मकान जमींदोज हो गए और गाड़ियां बह गईं। जम्मू में भी आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश के बाद तवी नदी उफान पर है। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़क पर आ गया। जम्मू के कटरा में भी भारी बारिश की वजह से माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रभावित हुई। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नए रास्ते से यात्रा को रोकना पड़ा। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा भी रोकनी पड़ गई। पहाड़ ही नहीं, देश के मैदानी इलाकों में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश मुसीबत बनी हुई है। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी की हैं, जहां जगबुड़ी और नारंगी नदी में बाढ़ के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव का सहारा लिया गया। भिवंडी के भी कई इलाके बारिश के पानी में डूबे नजर आए। यवतमाल में उभंती नदी के बीच पुल पार करना दो लड़कों को भारी पड़ गया। बाइक जैसे ही पुल के बीच पहुंची दोनों लड़के बह गए। गनीमत रही कि आगे जाकर एक पेड़ में बाइक फंस गई, जिसके चलते दोनों लड़कों की जान बच गई। जबकि रायगढ़ में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। एक पुलिस स्टेशन पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। रायगढ़ की सावित्री, अंबा और पाताल गंगा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने रायगढ़ और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बरसात का ये जो कहर आसमान से जो ये बरस रहा है, ये कहर ये लोगों के जनजीवन को कैसे अस्त व्यस्त कर रहा है, इसकी ये खास तस्वीर हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते मुंबई बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक इसमें फंसे रहे। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र में 12 टीमों को तैनात किया। गुजरात के सौराष्ट्र में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। घरों में पानी घुस जाने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कार और बाइक सब पानी में डूबे नजर आए। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 21 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। ताजनगरी आगरा में भी यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला। हालात ये हो गए कि ताजमहल की दीवारें 2 फीट तक पानी में डूबी नजर आईं। वहीं ताजमहल के पास दशहरा घाट भी पानी में डूब गया। पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। शिवसागर जिले में दिसांग और दिखौ नदी में उफान के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जिले में 18 लोग सैलाब से प्रभावित हैं। और बिग एंड बोल्ड में अब उन युवाओं के लिए खबर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पद निकाला है ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। uraniumcorp.in पर जाकर 18 अगस्त से पहले पहले आवेदन किया जा सकता है। इसी तरीके से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पद निकाला है। आवेदन किया जा सकता है urban.rajasthan.gov.in पर। 18 अगस्त से पहले पहले ये आवेदन भी करना होगा। और अब अगली खबर, दिल्ली में डेंगू के मरीजों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, लिहाजा आप अगर दिल्ली और आसपास रहते हैं सावधानी बरतिएगा। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि इस बार दिल्ली में डेंगू ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस महीने की 15 तारीख तक दिल्ली में डेंगू के 27 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस साल अब तक 163 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। पिछले 6 सालों में डेंगू के मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में आई बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और मच्छरों के पैदा होने की स्पीड तेज हुई। डॉक्टर्स ने लोगों को इन हालात में अपना बचाव करने की सलाह दी है। और अगर आप अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं लेकिन ब्लड सिरिंज से निकाला जाता है और आप इंजेक्शन से घबराते हैं, तो अब ये डर खत्म होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन और जापान के वैज्ञानिक ऐसे रोबोट्स तैयार कर चुके हैं जो इंसानों के शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का पता लगाएंगे। ये आम रोबोट्स नहीं है बल्कि नैनो रोबोट्स हैं, मतलब इनका साइज
एक चावल के दाने के बराबर होता है। इन रोबोट्स में कैमरे, सेंसर, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि छोटे साइज के इन रोबोट्स को आसानी से इंसानों के शरीर में भेजकर किसी भी गंभीर बीमारी का पता आसानी से लगाया जा सकता है। ये तरीका उन मामलों में कारगर साबित हो सकता है जिसमें मरीजों के टेस्ट करवाने में उनको काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है। दावा यह भी है कि इन रोबोट से टेस्ट के दौरान न तो मरीज को बेहोश करना पड़ेगा और न ही उसे किसी तरह की और समस्या होगी। चूहों पर इसके सफल प्रयोग की बात की जा रही है और अब इंसानों पर इसके परीक्षण की तैयारी हो रही है। और अब अगली अहम खबर, दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। यह हादसा रात के वक्त हुआ जब एक आदमी बीच सड़क पर बैठा हुआ था, तभी सामने से एक कार आई और उस कार ने सड़क पर बैठे शख्स को रौंद डाला। इस दौरान सामने से आ रही एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। हादसे के बाद कार सवार कुछ ही दूर जाकर रुक गया। कार सवार का नाम सौरभ शर्मा बताया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और अब आपको दिखाते हैं आज की ट्रेंडिंग अहम पांच और खबरें, BNB क्विक टिक्स ट्रेंडिंग। शेयर बाजार ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया। कारोबार के दौरान जबरदस्त उछाल देखा गया। सेंसेक्स 302 पॉइंट चढ़कर 67,097 पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी 84 अंक चढ़कर 19,833 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में आज सोना चांदी में तेजी देखी गई। गोल्ड की कीमत 59,000 प्रति रुपए 10 ग्राम के पार, वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा रहा। गोल्ड 770 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़त के साथ ओपन हुआ, जबकि सिल्वर 400 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी कीमत पर बिकी। टमाटर की कीमतों में भारी तेजी की वजह से पहले ही लोगों के किचन का बजट बिगड़ चुका है। अब मुफ्त में मिलने वाली धनिया भी कई शहरों में 200 रुपए किलो के पार बिक रही है। वहीं अदरक की कीमत 250 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लहसुन भी पीछे नहीं है, इसका भाव भी 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हासिल और पानसिंह तोमर जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाउंट के हैक होने का पता तब चला जब हैकर ने तिग्मांशु के दोस्तों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए और आर्थिक मदद मांगने लगा। तिग्मांशु को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी, इंसेप्शन और टेनेट जैसी फिल्मों के बाद क्रिस्टोफर की अगली फिल्म ओपेनहाइमर 21 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले ही फिल्म चर्चा में है, वजह है इसका सब्जेक्ट। क्रिस्टोफर इस बार परमाणु बम के पिता कहे जाने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी लेकर आए हैं। फिल्म में एटमी वेपन तैयार करने के लिए बने मैनहट्टन प्रोजेक्ट और रॉबर्ट की कहानी को पिरोया गया है।